जिला सोलन आयुर्वेदिक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव आयुर्वेदिक अस्पताल के सभागार में आयोजित किए गए। नई कार्यकारिणी के गठन सहित चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी राकेश चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चुनावों में विनोद कुमार को सर्वसहमति से प्रधान, नरेंद्र भारद्वाज को उप प्रधान, राजेश कुमार को महासचिव चुना गया। इस मौके पर कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें किस तरह से हल किया जा सकता है इस बारे में भी रणनीति बनाई गई। चुनाव प्रक्रिया की अधिक जानकारी देते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह बराकटा ने कहा कि वो दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वह अब प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह एक बार फिर से अध्यक्ष बनते हैं तो कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर उनका महासंघ जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पक्का करवाना और फार्मासिस्टों के वेतन के मुद्दे को उठाना रहेगा। सबसे पहले मेरा प्राथमिकता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का है। उसके बाद विभाग में कुछ कर्मचारियों को जो है ना आरएनपी रूल्स के साथ छेड़छाड़ की है उन रूलों को दोबारा से मॉडिफाई करना है। फार्मासिस्टों की ग्रेड पे जो अभी तक नहीं मिली है जिसके लिए कि काफी लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह जो 2012 में फार्मासिस्ट लगे थे अभी 2017 में नियमित हुए हैं उनका जो इनिशियल पे का मामला है ये मेरी प्रमुखता में रहेंगे। ये सभी मामले मैं इन डिमांड्स को जो है सबसे पहले अपने निदेशक महोदय के सचिव अतिरिक्त सचिव एवं माननीय जो हमारे प्रदेश के आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्री है श्री विपिन परमार जी उनके थ्रू इन डिमांड्स को शीघ्र ही कराने की चेष्टा रखूंगा। इस मौके पर सर्वसहमति से चुने गए प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि जो विश्वास महासंघ के सदस्यों ने उन पर जताया है वो उस विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारियों से जुड़ी मांगे हैं उन्हें वह शीघ्र नेतृत्व तक पहुंचाकर पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अराजपत्रित कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट सोलन का प्रधान बनाया गया है और मैं जितनी भी डिमांड्स होगी अपने सारे कर्मचारी वर्ग की चाहे क्लास 4 है चाहे क्लास 3 है चाहे मेरे साथी है उनकी पूरी डिमांड अपने आगे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनको आगे समक्ष रखूंगा और उनकी जो डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरी करने की पूरा प्रयास करूंगा। और जो उम्मीद मेरे साथियों ने मेरे कर्मचारियों ने मेरे जितने भी सहयोगी है मुझ पर रखी है उसको मैं पूरी तरह निभाने की पूरी प्रयास करूंगा और